वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन दम मैन्यू ऑफ यू कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस लिखते हैं वो क्या आता है करस्पॉन्डिंग सपरेट करूंगा उसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पी एंड क्यू आपने इस बात को क्लास टेंथ में जरूर पढ़ा होगा तो चलिए इसको रीड करने के बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं द सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फार्मूला ठीक है तो व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला ठीक है देखिए लेट सपोज मानते हैं कि हमारे सामने कोई पॉइंट है पी एंड अदर पॉइंट इज द क्यू पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वन कॉमा वाई वन एंड q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2 एंड pq इज अ स्ट्रेट लाइन pq क्या है r इज द स्ट्रेट लाइन इस pq को लेट्स सपोज मान लेते हैं कोई पॉइंट r दिस इज अ पॉइंट r बिटवीन p एंड q p और q के बीच यहाँ पर कोई पॉइंट r है और उसके हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता मान लेते हैं जो हमें नहीं पता वो क्या है x, y x हमें नहीं पता y हमें नहीं पता r जो है वो p और q को एम रीशु एन में डिवाइड करता है यहाँ पे क्या कर रहा है इंटरनली इंटरनली एम रिश्वत कर करता है फॉर्मूला बिकेम है ना तो फॉर्मूला क्या बन के आता है यहां पर यदि हमको यहां पर लिखना है फाइंड आउट करना है कोर्डिनेट एक्स एक्स कोआर्डिनेट ऑफ आर तो एक्स कोआर्डिनेट ऑफ आर क्या आता है ध्यान देखिएगा करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे इस एन का इसके एक्स वन के साथ तो यहां पे देखिए क्या कर रहा हूं मैं एन इंटू एक्स वन कर रहा हूं एन प्लस एम तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्स एंड देन फॉर कोऑर्डिनेट वाई क्या करेंगे एन इंटू वाई वन वाई वन वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एन इंटू वाई वन एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम एम इंटू वाई टू एम इंटू वाई टू डिवाइड बाई एन प्लस एम तो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ आर ओके तो यह आपके सामने क्या हो जाएगा फर्दर uh, हम देखिए सेक्शन फॉर्मूला में एग्जाम्पल देखते हैं लेट सपोज क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमारे सामने पॉइंट पी दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है टू कॉमा फोर एंड क्यू दिया हुआ है थ्री कॉमा थ्री कॉमा सिक्स ठीक और यहाँ पर मिड पॉइंट आर आर जो है इन दोनों को वन रिशु टू में डिवाइड करता है देन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ आर आर के कोऑर्डिनेट बताइए तो अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा उसे आंसर करते हैं तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आर का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे टू इंटू एक्स कोआर्डिनेट ऑफ पी टू इंटू एक्स कोआर्डिनेट ऑफ पी तो देखिए यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट क्या है टू कॉमा फोर आर क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर थ्री कॉमा सिक्स तो देखिए टू इंटू कॉर्डिनेट ऑफ पी तो मल्टीप्लाई कर दीजिए टू इंटू कोर्डिनेट ऑफ पी देन इंटू कॉर्डिनेट ऑफ क्यू वन इंटू कोट ऑफ क्यू डिड बाई वन प्लस टू देन का आर का कोऑर्डिनेट क्या हो टू इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी तो टू इंटू फोर और फिर यहां पे क्या करेंगे वन इंटू कॉर्डिनेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू तो यहां से आएगा वन इंटू सिक्स डिवाइड बाय वन प्लस टू तो ये आपके सामने कितना आ गया इक्वल टू फोर प्लस थ्री इज ए सेवन डिवाइड बाय थ्री एंड ये कितना आ जाएगा एट प्लस सिक्स डिवाइड बाई थ्री तो ये आपके सामने आर के कोऑर्डिनेट क्या बी द्वेश्चन इस प्रकार हम सेक्शन फॉर्मुला के क्वेश्चन चलिए अब हम देखते हैं देखिए सेक्शन फॉर्मूला में अभी तक हमने पढ़ा था की पी और क्यू को यहाँ पेट सपोज P था एंड दैट वॉज द Q P और Q को कोई पॉइंट R इंटरनली डिवाइड कर रहा था बीच में आकर डिवाइड कर रहा था ठीक अब देखते हैं हम अब हम इसी में देखेंगे कि यदि P और Q पॉइंट को कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवीजन करे एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब लेट्स सपोज दिस वाज़ अ P एंड क्यू और दिए ये दोनों क्या है आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन मिलकर बना रहे हैं और यहाँ पे लेट्स सपोज कोई पॉइंट R है R जो है इसको एम में डिवाइड करता है एम वाला जो हिस्सा है वो ये है एम वाला हिस्सा और लेट सपोज एन वाला हिस्सा जो है वो ये तो हम बोल रहे हैं कि आर जो है वो पी और क्यू को एम रिश्व एन एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो बताइए कि आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा मान लेते हैं पी और पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन क्यू के कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू उस केस में हम आर के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे तो यहां से लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ आर एक्स देखते हैं तो एक्स सबसे पहले क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स वन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस करते हैं जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा तो देखिए एन बड़ा है इसीलिए आगे आएगा देखिए एन इंटू एक्स वन माइनस एम इंटू एक्स टू डिवाइड बाय एन ए माइनस एम तो ये था एक्सटर्नल डिवीजन ठीक है अब देखिए वाई का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एन इंटू वाई वन माइनस एम वाई टू डिवाइड बाई एन माइनस वन तो ये था आपके सामने एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नली जब कोई पॉइंट आर डिवाइड करेगा इन एम रेशू एन एम रेशू एन में कोई पॉइंट आर डिवाइड करेगा तो उस केस में आपके सामने क्या आएगा माइनस का सिग्नेचर आ जाता है तो दिस वॉज दी अवर सेक्शन फॉर्मूला इन इंटरनल डिविजन एक्सटर्नल डिविजन